प्यारे प्यारे स्टूडेंट छोड़ दे इन किताबों को, कुछ नहीं रखा इसमें। गेम्स खेल, गेम्स लेवल बड़ा लेवल, कुछ नहीं रखा पढ़ाई बढ़ाई में, कुछ नहीं है इसमें, छोड़। हेलो रोहन यार, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ यार, जो हमारा कल लेवल रह गया था ना वो आज कंप्लीट करना है। क्या पढ़ाई यार, पढ़ाई तो फिर भी होती रहेगी, चल लेवल कंप्लीट करते हैं आज, ऑनलाइन आ जल्दी। वेरी गुड यार, ये देख तेरे पास बंदा है, इसको मार यार। यार ये देख ये तो गया। मेरा दूसरा शिकार। रील्स बना गंदी गंदी रील्स बना, रील्स बना बना रील्स, ये भी गए। मेरा अगला शिकार, इसको भी मैं। धन्यवाद प्रभु, आज तो मैंने घर का सारा काम बड़ी ही जल्दी खत्म कर लिया। अब तो मैं 2-3 घंटे आराम से प्रार्थना करूंगी। प्रार्थना ये तो मैं नहीं होने दूंगा, आज तो तेरा नागिन का महा एपिसोड आने वाला है। 9 बज गए, ओहो मेरा नागिन वाला सीरियल, टीवी ऑन करती हूँ। टीवी ऑफ करती, सीरियल खत्म हो गया है, अब मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। मैंने इसको भी वरमाया और ये फिर से प्रार्थना कर रही है, मैं ये नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है यहाँ तो मेरी बहन आलस का काम है। आलस मेरी बहन, आलस मेरी प्यारी बहन। वचन में लिखो, वचन में लिखा आलस एक पाप है, और मेरे लिए ये आलस फैलाना बहुत आसान है। मैं आलस को देती हूँ फूक, और ये विश्वासी जाते हैं चूक। तेरी आंखें भर गई हैं, सो जा। मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर सो लेती हूँ, कल प्रार्थना कर लूंगी। इसका काम तो हो गया। अरे 6 बज गए, 6:30 तो मुझे चढ़ जाना है, चढ़ जाकर मुझे दरिया बिछानी है और बहुत सारी सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो यीशु में सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। ऐसे करता हूँ, जल्दी जल्दी ब्रश कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी चर्च पहुँचना है। अरे अभी भी समय बच गया है, ऐसा करता हूँ कुछ देर सो लेता हूँ, वैसे भी आज ठंड बहुत है, सेवा करने फिर चला जाऊँगा। तू चाहता है आदर, सेवा करेगा। मैं देती हूँ तुझे नींद की चादर। मेरा काम तो हो गया, अब मैं चली, और मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ये लो बेटा रूही, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है। नहीं मम्मा, आज मुझे नहीं खाना,
क्योंकि आज मेरी फास्टिंग है। देखो तो सही बेटा, ये तो तुम्हारा फेवरेट खाना है, आलू के पराठे। आलू के? लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी फास्टिंग है। मैं तो यही रख के जा रही हूँ, जैसे तेरी मर्जी। फास्टिंग, मुझे इससे सख्त नफरत है, क्योंकि वचन में इनके लिखा है कि जो प्रार्थना और उपवास करते हैं परमेश्वर उनकी मदद करता है और उनको ऊंचा करता है। मैं तो ये नहीं होने दे सकता। आलू के पराठे देखते इस पे पिघलता हुआ मक्खन भी है, खा ले। अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं और मैं फास्टिंग 5 बजे खोलती हूँ, और ये पराठे, ऐसा करती हूँ फास्टिंग पोस्टपोन कर देती हूँ, कल रखूंगी, आज ये पराठे खा लेती हूँ। PhD है मेरे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ HELL। काले मम्मा जल्दी से और पराठे लेके आओ। हाँ, बहुत टेस्टी हैं। बेटा अभी तो तू कह रही थी तेरा फास्टिंग, अब क्या हो गया? हे परमेश्वर के लोगों, तुम क्यों भटकते हो? तुम क्यों परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते, जबकि उसका वचन तुम्हें चिताता है कि शैतान चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो ऐसी ही छोटी छोटी चीजों से, जैसे कि तुम्हारा अधिक फोन चलाना, तुम्हारा ज्यादा सोना, तुम्हारा ज्यादा खाना और प्रार्थना ना करना, ऐसी चीजों से वो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर देता है, ताकि तुम परमेश्वर की आशीषों के और स्वर्ग राज के वारिस ना होने पाओ। हे पाप में फंसे हुए लोगों, परमेश्वर का वचन तुम्हें बताता है कि पवित्र बनो, जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हे अधिक आलस में पड़े हुए लोगों, परमेश्वर का वचन तुम्हें भी चिताता है कि हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? एक और झपकी, थोड़ी और नींद, तब तुम्हारी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। और हाँ, परमेश्वर का वचन तुमसे भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहता है। तो हे मेरे प्रियो, उस वचन पर ध्यान दो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन का वारिस होने के लिए तुम्हें चुनना चाहता है। तो आज ही मन फिराओ, आज ही उसके वचनों पर दृढ़ता से चलने का वायदा करो, ताकि तुम उस स्वर्ग की आशीषों के वारिस हो सको। बहन, उस अनंत जीवन को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ और बपतिस्मा लो। आओ, मैं आज ही तुम्हें चर्च लेकर चलती हूँ। मैं भी आना चाहती हूँ। मैं आज ही तुम सभी को चर्च लेकर चलती हूँ। और मैं भी परमेश्वर की सेवा करूंगी और फास्टिंग पूरी किया करूंगी, ताकि तुम सभी जान सको कि परमेश्वर, जिसकी कब्र आज भी खाली है, उसने तुम्हारे लिए अपने स्वर्गीय भंडारों में कौन कौन सी आशीषें रखी हुई हैं। आइए, आप सभी मेरे साथ चर्च चलिए।